फॉर्म इज टेम्पोरेरी, क्लास इज परमानेंट। जी हाँ, विराट कोहली के पूरे वर्ल्ड कप में जहाँ सिर्फ 75 रन थे, फाइनल में अकेले बंदे ने 78 रन ठोक के पूरी साउथ अफ्रीका को पर खच्चे उड़ा के रख दिए। एक बंदे ने अकेले ही 176 जब टारगेट पहुंचा दिया उस मौके से ला के, जहाँ पे टीम इंडिया बहुत ही प्रेशर में आ गई थी, 3 आउट उसके बहुत जल्दी हो गए थे, तो विराट कोहली था वो बंदा जिसने इनिंग्स को ऐसे लेके चला और एंड पे आके ऐसा एक्सेलरेट किया कि टीम इंडिया विनिंग सिचुएशन में आ गई, विनिंग स्कोर बन गया। ये वही विराट कोहली है जिसने 2014 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी 58 बॉल्स पे 77 रन स्कोर किए थे, और कल वाले फाइनल में भी इस बंदे ने 59 बॉल्स पे 78 रन स्कोर करके अपनी टीम को एक विनिंग सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था, और उसके बाद सिर्फ बॉलिंग के लिए काम रह गया था उसको डिफेंड करना। इसी विराट कोहली के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि इसको T20 के स्क्वाड में होना चाहिए इस वर्ल्ड कप के अंदर या नहीं होना चाहिए, और अब वो लोग जो पूरे इस स्क्वाड के ऊपर विराट कोहली के इस टीम में होने पर बातें कर रहे थे, अब वही लोग अपनी मुनाफ़त दिखाते हुए सामने आके इसी विराट कोहली की तारीफ़ें कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा था, हम ही कह रहे थे इसको टीम में रखा जाए। लेकिन विराट कोहली ने सबके मुंह बंद कर दिए, और वही रोहित शर्मा की बात कि भाई फॉर्म इज टेम्परेरी है, भाई विराट कोहली की क्लास जो है वो फाइनल के लिए उसने बचा के रखी थी, और फाइनल में आके उसने डन एंड डस्टेड कर दिया सबको और वर्ल्ड कप जितवा दिया। और इसी वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया, जिसपे रोहित शर्मा ने कहा था कि विराट कोहली पहले से ही सर्टन था कि अगर विराट ये वर्ल्ड कप उसका आखिरी वर्ल्ड कप है, और इसका एंड जो हुआ है वो एक वर्ल्ड कप की जीत के साथ हुआ, जिससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता था रिटायरमेंट लेने का। तो थैंक यू विराट कोहली, वर्ल्ड विल मिस यू। T20 वर्ल्ड जो है, T20 क्रिकेट जो है, वो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा मिस करेगी, और रोहित शर्मा भी इसके साथ साथ रिटायरमेंट ले चुके हैं, और अब इंडियन फैंस को ये समझ नहीं आ रही कि वो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मनाएं या रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट का गम मनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।